इन तीनों लोगों में क्या कॉमन है? शाहरुख खान, रणवीर सिंह और जेम्स बॉन्ड। और वो है इनका करिश्मा और कॉन्फिडेंस जो इनका हर एक सिचुएशन में आता है, ना ही ऑन स्क्रीन बट एनी टाइम इन द पब्लिक लाइफ। वो चाहे लोगों से बात कर रहे हो, चाहे इंटरव्यूज में हो, म्यूजिक इज माय डिपार्टमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो, नोबडी बेटर देन मी, या फिर अवार्ड शोज में हो। शाहरुख खान, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर्स इनके पास एकदम से होते हैं। आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है? अब तो दुनिया मानती है मैं। एंड ये सारी चीजें देख के हमें लगता है क्या ये लोग हमेशा ही इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं? बट अगर ऐसी बात है तो फिर व्हाट डू यू से टू इंस्टेंसेस लाइक दीस? एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने बोला, हम पोर्चुगल में शूट कर रहे थे एंड वहां पे लड़कियां थी, शाहरुख खान को डेयर दिया गया था कि भाई जाके एक लड़की से बात करो। He wasn't able to do that, उसके डर लग गया था बिकॉज वहाँ पे कोई उसको जानता नहीं था। Similarly, दीपिका पादुकोण in an interview said कि बाहर तो रणवीर सिंह की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, बट when he comes back home, he's not always energetic. He has a different side of his personality as well. वो शांत भी रहता है, वो चुपचाप भी रहते हैं, very emotional and very vulnerable. और फिर तीसरा जेम्स बॉन्ड की तो क्या ही बात करें, वो तो वैसे ही फिक्शनल कैरेक्टर है, तो हमें जो लिखना होगा जो बोलना होगा वो तो राइटर्स कुछ भी लिख देंगे कुछ भी बोल देंगे। जब मैंने ये सारी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स देखी, इट गॉट मी वंडरिंग कि यार ये लोग पहले से हमेशा ही इतने कॉन्फिडेंट थे, माँ के पेट से ही सीख के आए थे, या देयर सम अदर ट्रूथ जो हमें पता नहीं चल रहा है। एंड दैट लेड मी टू दिस जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग यार असली में कॉन्फिडेंस है क्या, क्या हमें पहले से ही सीख के आना होता है या ऐसा है कि इज दैट समथिंग दैट कैन बी लर्न। और इसी सच की तलाश में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कॉन्फिडेंस की, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ अबाउट कॉन्फिडेंस। तो ये बात है 2010 की, मेरा स्कूल खत्म हुआ था एंड कॉलेज स्टार्ट हो रहा था। I had taken admission in one of the most premier colleges in Delhi University, वेंकी में मेरा एडमिशन हुआ था। When I was there, तो शुरू में जब लड़के होते थे उनसे तो बातें मेरी हो जाती थी, बट when it would come to talking to girls, वहाँ पे एकदम ही फट जाती थी, कान लाल हो जाते थे, कोई भी देख सकता था कि how nervous I am। एंड कभी भी किसी से बात करते हुए ऐसे सिचुएशन आते थे कि मैं दिमाग में सोच रहा होता था कि यार अब क्या बोलूं, आगे क्या बोलूं, ये क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। एंड हमेशा एक इमेज कंट्रोल वाली वाइब वहां पे रहती थी, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज्यादा दूर था। एंड दिस वाज वेरी क्रेजी फॉर मी बिकॉज़ आई हैड ग्रोन अप इन एन ऑल बॉय स्कूल, तो लड़कों के साथ मैं कंफर्टेबल हो जाता था, बट जब मैं एक नए एनवायरमेंट में गया अपने कॉलेज में और वहां पे लड़कियां थी हु आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, उधर मेरी फटने लग गई। एंड दिस इज नॉट ओनली विद द गर्ल्स जिनको मैं लाइक करता था, बट वो भी लड़कियां जिनसे मेरे को नॉर्मली बस बात करनी है। एंड वहां पे क्योंकि आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ सोशल सर्कल, जो लड़कियों से बात करनी थी, आई वांटेड टू हैव ग्रेट एक्सपीरियंसेस विद पीपल, मीट सम अमेजिंग गर्ल्स वहां पे, बट वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस था मेरे लिए मेरा लो कॉन्फिडेंस और लोगों से बात नहीं करना। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम आई आल्सो वांटेड टू ब्लास्ट थ्रू ऑल ऑफ दीस थिंग्स, ब्लास्ट थ्रू माय शाइनेस, इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस, एंड उसके लिए मैं कहीं पे भी अपना कंफर्ट जोन एक्सपैंड कर सकता था, तो मैं कर रहा होता था। और मेजर प्रॉब्लम, इंग्लिश भी नहीं बोलता था मैं, बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलनी आती थी बट उस टाइम पे प्रॉब्लम अलग ही होती थी कि यार इंग्लिश में जोक्स कैसे क्रैक करें, हिंदी में तो हम यार कर देंगे, इंग्लिश बोलने के लिए पहले दिमाग में पहले उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में और फिर बोलो, दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन। तो आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस पॉइंट एंड आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस कि यार यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस होता क्या है, क्या मुझे बस फेक करना है या मुझे करना क्या है असली में। तो फिर एक दिन मैं घर पे बैठा हुआ था और घर पे मैं मूवी देख रहा था, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर मेड, 8 माइल। और अगर तुमने 8 माइल देखी है या नहीं भी देखी, मूवी के एंड में एक रैप बैटल होता है बिटवीन एमिनेम एंड द मेन एंटागनिस्ट ऑफ द मूवी। तो अब तुम किसी भी रैप बैटल में जा रहे हो, इट्स ऑल अबाउट इंसल्ट्स, और इंसल्ट्स वाले सीन में पहली बारी इसकी आती है एमिनेम की। रादर देन फोकसिंग ऑन अदर पीपल्स इनसिक्योरिटीज, एमिनेम ने अपनी इनसिक्योरिटी पे फोकस करा एंड ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग। उसने बोला हाँ भाई मुझे पता है ये है, मुझे पता है ये भी है, मुझे पता है ये भी है, ठीक है ये सारी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, अब ये सब तो मुझे पता ही है, एंड इफ आई नो ऑल ऑफ दिस यू टेल मी समथिंग दैट आई डोंट ऑलरेडी नो अबाउट। एंड दिस जस्ट मेक्स द अदर पर्सन स्टन। आसपास जितने भी लोग थे वो लोग चीयर करने लग जाते हैं बिकॉज द फैक्ट इज जब एक बार हम खुद की इनसिक्योरिटीज एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम लोगों को बता देते हैं कि यार भाई ये हूँ, दिस इज हू आई एम, मेरी हाइट छोटी है, ज्यादा पैसा नहीं है, फोन नहीं है, मेरे पास जूते खरीदने के पैसे नहीं है, दिस इज हू आई एम, यू टेल मी समथिंग दैट आई डोंट ऑलरेडी नो अबाउट। तो अब सामने वाले बंदे के पास तुम्हें बुली करने के लिए कुछ रहता नहीं। उस टाइम में मेरी इनसिक्योरिटी होती थी कि यार बहुत लोग गाड़ियों से आते थे, तो मैं इतना कॉलेज भी जाता था थोड़ा छुप छुप के कि यार बस स्टैंड पे मेरे को लोग ना देख लें। एंड ये जब मैंने 8 माइल देखी तो वहां पे जब तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो ये सारी चीजों में, तो देयर समथिंग क्लिक्ड इनसाइड माय हेड। फिर मुझे समझ आया कि यार मैं तो ये सारी चीजें छुपा रहा हूँ, बट जो मेरी सिचुएशन है उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि मैं कूल बनूं यहाँ पे जाके। द ओनली थिंग आई नीडेड टू डू वाज एक्सेप्ट माय सेल्फ। और एकदम से मैंने क्या करा, आई डिड अ क्लियर ट्रांजिशन। Rather than thinking expensive clothes, expensive phone, जूते वगैरह भाड़ में जाए सब कुछ, I went the complete opposite route. मैंने सब कुछ एक्सेप्ट करा। एक पॉइंट पे जब टी शर्ट्स लोग पहन रहे होते थे बड़े बड़े ब्रांड्स के, हैकेट, एड हार्डी, रैल्फ लॉरेन, लुई विटॉन, मैंने क्या करा सारी ब्रांड्स हटा दिया, प्लेन टी शर्ट्स पहननी स्टार्ट करी, नो प्रिंट्स, नथिंग। उस टाइम पे लोग चीनोस पहन रहे होते थे, कॉटन ट्राउजर्स एंड जीन्स एंड एवरीथिंग। मैंने जीन्स वगैरह हटाई, मैंने पजामे पहनने स्टार्ट कर दिए, लाल पजामे। दूर से ही देख के किसी को दिख जाए भाई कि कौन बंदा आ रहा है लाल पजामे पहन के। नीचे जहाँ पे लोग अपने लोफर्स पहन रहे होते थे 10-10 हजार के, लोग महंगे महंगे स्नीकर्स पहन रहे होते थे, मैंने चप्पलें पहननी स्टार्ट करी कॉलेज में। और चप्पल ऐसी भी नहीं कि नाइकी वगैरह लेना है। मैं गया पास वाली दुकान पे, रिलैक्सो की चप्पल ली, लाल रंग की 110 रुपए की मात्र चप्पल ली और वो पहनना स्टार्ट करा। बालों के ऊपर लोग परेशान होते हैं, मैंने बाल कटवाना ही छोड़ दिया। बाल इतने लंबे करे, चिल बस ऐसे बढ़ते जाए। स्टॉप गिविंग अ फक एंड स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज। ब्लैकबेरी मैसेंजर का दौर था वो। अब रादर देन बीइंग लाइक यार ब्लैकबेरी चाहिए मुझे, आज लगे यार बकवास है ब्लैकबेरी, कुछ चीज नहीं मिल सकती तो बोला अरे बेकार है मुझे चाहिए नहीं, तो वो करना स्टार्ट करा। BBM चाहिए ही नहीं। फोन कौन सा मेरे पास था, नोकिया 1100 ब्लैक एंड व्हाइट फोन, जहाँ पे सब ब्लैकबेरी के पीछे पड़े हुए थे। ये नए अटायर में मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट करा एंड स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। फास्ट फॉरवर्ड अ कपल ऑफ मंथ्स इन द फ्यूचर, मेरे दोस्त बन चुके हैं, मैंने लोगों से बातें करने लगी हैं और आसपास वो फैल गई है बात लड़कियों के बीच में कि एक पजामा पहन के लौंडा आता है, हु इज द पजामा बॉय। ओह ही इज सो हॉट। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? And that's where the situation starts to change. Confidence is something that you choose to have. This is who I am and I accept myself wholeheartedly. You can take it or leave it. इसी टाइम के दौरान कॉलेज में मैं एक और चीज करता था। मेरी पूरा टाइम और मेरी पूरी लाइफ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और अपनी सोशल स्किल्स बेटर करने में ही जाता था। मैं सुबह उठता था 9-10 बजे के आसपास, जल्दी से भाग के जिम जाता था, 1 घंटा जिम करता था, वापस आके खाना वाना खा के रेडी होके कॉलेज जाता था। एंड अंदर जाता था, कैंटीन में लोग मिल गए, नहीं तो फिर कॉलेज के बाहर चला गया, कॉलेज के फॉयर में बैठ गए, ऐसे करके बस लोगों के साथ सोशलाइज ही करता रहता था। 4 बजे तक ये चलता था। 4 बजे खत्म होने के बाद बस में बैठ के मस्त अपना घर आता था, खाना वाना खाता था, थोड़ा नैप लिया, रेस्ट करा, देखा शाम का क्या सीन है। 8 बजे के आसपास रेडी होके फिर बाहर जाना स्टार्ट। ये टाइम था हॉल खास विलेज का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम आते थे शाम को, अंदर बाहर लोग जा रहे होते थे तो कपल एंट्री होती थी, यहाँ पे हम लोगों को रोक के बात करते थे। अब बाकी भैया आ गए हैं, वो अलग अलग जगह ले जाते हैं, तब हम उनसे लड़ रहे होते थे कि नहीं यार हमारी एंट्री करानी है, आप इनको बाद में ले जाना। 1 बजे तक वहाँ पे होते थे। 1 बजे क्लब्स बंद होने स्टार्ट हो गया हॉल खास विलेज में, तो लोग बाहर जा रहे होते हैं। एंड ईच एंड एवरी पर्सन, यहाँ पे जितने भी लोग थे, हर एक लोगों से बात करके मैं वापस आई वॉक बैक होम। फिर पूरा चल के जाते थे हॉल खास विलेज से SDA, गेट बंद होता था बीच में, या तो घूम के जाओ या फिर दूसरा ऑप्शन क्या, गेट को टाप दो। टाप के जाते थे, फिर IIT के बाहर खड़े होकर फिर वेट करते थे रात के 3 बजे कि कोई कैब आ रही है, गुड़गांव साइड जा रही है, तो मैं हाथ दूं और वो मेरे को मेरे घर के रास्ते में बीच में कहीं पे छोड़ दे, 20 रुपए लेके। वैसे करके रात को घर पहुंचते थे सुबह के 3:30-4 बजे के आसपास। 4 बजे सो के सुबह फिर से उठना और सेम चीजें करना। एंड ये रूटीन मैंने फॉलो करा 5 दिन हफ्ते के फॉर लाइक 7 years ऑफ माई लाइफ। शुरू के दिनों में हाल इतने बुरे होते थे कि यार मैं अप्रोच कर ही नहीं पाता था। एक वीडियो है मेरे पास जहाँ पे लिटरली मैंने एक लड़की को अप्रोच करा, उससे बात करी, कुछ ज्यादा हुआ नहीं, वहाँ पे ना नंबर दिया ना कुछ, बट मैं इतना खुश था वो एक्ट से कि यार मैंने आज अप्रोच करा है और आज ढंग से अप्रोच करा है कि मैं वापस आ रहा था जब अपनी कैब में, मैं नाचता हुआ वापस आया हूँ। इसमें मैं इसलिए खुश नहीं था कि हमने कुछ बहुत ज्यादा अमेजिंग सा रिजल्ट पाया है, मैं इसलिए खुश था क्योंकि ये पहला स्टेप था मेरी नई लाइफ के लिए, जो मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, जो मुझे सोशल स्किल्स चाहिए, जो मुझे लोगों से बात करनी है। और ये मेरे को दिखाता था कि यार दिस इज पॉसिबल, मैं लोगों से बात कर सकता हूं एंड दिस कैन वर्क। सो दिस वाज एन अमेजिंग फर्स्ट स्टेप एट दैट पॉइंट इन टाइम। एंड फिर यही हुआ, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए। मैंने अप्रोचेस करनी स्टार्ट करी, लोगों से बातें करना स्टार्ट करा। शुरू में लड़कियों को बातें नहीं करनी थी, उसके बाद धीरे धीरे वो बातें करना उन्होंने स्टार्ट करा क्योंकि मैंने इंप्रूव करना अपने आप को स्टार्ट करा। वहां से फिर लड़कियों की साइड से अट्रैक्शन आने लग गया, फिर वहां से मैं फोन नंबर आने लग गया, उसके बाद मैं डेट्स पे जाने लग गया। धीरे धीरे करके सालों में एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे दिस जस्ट बिकेम वेरी नॉर्मल फॉर मी। बट 1-2 साल बाद जहाँ पे ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था मेरे लिए, तब भी मेरे लिए दिमाग में सबसे बड़ी चीज रहती थी मेरा कॉन्फिडेंस। तो उस टाइम पे हमेशा मेरे दिमाग में आता था कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अगर लड़की देख लेगी कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो मेरे को बिल्कुल लाइक नहीं करेगी। थर्सडे नाइट हम जाते थे SOI 7 लेडीज नाइट के लिए, तब नया नया SOI 7 साइबर हब में खुला था। वहां पे क्राउड बहुत ही अमेजिंग था। मैं वहां अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ था, उसके गुड़गांव के दोस्त आ रखे थे, इन लोगों के साथ खड़े होके मैं इस दोस्त से बात कर रहा था एंड आई वाज लाइक यार आदि यार बहन सुन भाई कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हमें। क्या बात कर रहे हो ब्रो, आई सीन यू यू लाइक द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन दैट आई। अरे नहीं यार इट्स सो क्रेजी भाई, मैं तुझे पता है किसी भी लड़की से बात करता मेरी हुई होती है। क्या बात कर रहा है, बट स्टिल अप्रोच देम राइट। आई नो बट भाई तुझे नहीं लगता मैं जैसे बात कर रहा होता हूँ और मेरी अंदर फटी हुई है, मेरी शक्ल पे दिख जाता होगा भाई, पता ही नहीं चलता ब्रो। सही बताया यार, सही बात। And that's when I put it in my mind कि यार confidence is something मैं इतने टाइम से कोशिश कर रहा हूँ बढ़ाने की। कब मेरा confidence इतना बढ़ गया है कि सामने वालों को पता ही नहीं चल रहा है, बट मैं अंदर सोचे जा रहा हूँ कि मुझे अपना confidence बढ़ाना है। It's like you learning how to drive। जब तुम पहली बारी गाड़ी चलाना सीखते हो तो तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो। गियर कहाँ पे, पहले गियर लगाना है, एक्सेलरेटर धीरे धीरे छोड़ना है, लेकिन रेस भी देनी है, शीशा देखना चाहिए, अरे गियर रिवर्स तो नहीं लगा है, और हल्का सा एक्सेलरेटर दबाओ। पहली बारी तो ऐसा तो बूम करके एकदम से आगे गाड़ी जाती है, शीशा देखो, सीट बेल्ट देखो, लेफ्ट राइट के इंडिकेटर दो, इधर उधर मुड़ो, कुछ नहीं समझ आ रहा होता शुरू में, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट जब तुम एक बार ड्राइव करना सीख जाते हो तो पता भी नहीं चलता है कि यार हम इतनी सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज साथ में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आराम से बैठे हुए हैं, स्टार्ट करा, इधर उधर देख रहे हैं, गेयर अपने आप लग रहे हैं, एक हाथ स्टीयरिंग पे है, एकदम स्नूप डॉग वाली फीलिंग लेके गड्डी जांदी है, छलांगा मार दी, याद आए मैनू मेरा देखियो। चिल है, हार्ट रेट एकदम आराम से, कोई डर नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और यही सेम चीज हुई मेरे साथ जब मैं रिपीटेडली बाहर जा रहा था कि द थाउजेंड्स ऑफ अप्रोचेस दैट आई हैड डन बाय दैट पॉइंट इन टाइम, दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। जो चीजों में पहले डर लगता था वो क्योंकि मैं रोज ही कर रहा हूँ वो डर चला गया, तो कंफर्ट जोन के बाहर गए और अब ये चीजें मेरा कंफर्ट जोन बन चुका था। एक हेजिटेशन हमेशा थी बट मैंने रियलाइज करा हेजिटेशन हमेशा ही रहेगी, इट्स जस्ट हाउ डू यू मैनेज दैट। और वो हेजिटेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, अगर तुम उस हेजिटेशन को भी एक्सेप्ट कर लो, दैट्स ऑल यू नीड टू डू एंड जस्ट प्रैक्टिस एंड build those reference experiences, because उससे you will start to feel safe, you will start to feel ये चीज मैं रोज ही कर रहा हूँ, तो एक level of predictability आ जाता है। एंड धीरे धीरे जब तुम्हारा skill set better होता है तो तुम सामने से results भी मिलना तुम्हें start हो जाते हैं और तुम्हारा confidence धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। और यही सेम चीज हुई थी शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान को उन चीजों में तो एक्सपीरियंस था, मूवीज में लड़कियों के साथ रोमांस करना, कॉन्फिडेंटली बातें करना, आसपास लोग जब उसको जानते हैं तब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाना। लेकिन when he was faced with the situation कि कंप्लीटली नई कंट्री में है वहां पे और प्रेशर है, लोग देख रहे हैं और यहाँ पे he has never done approach like this before, तो वहाँ पे पसीने छूट जाते हैं अच्छे के, क्योंकि उस सिचुएशन में तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंसेस नहीं है। I had come a long way from being a shy kid from an all boys school, जो insecure था अपने बारे में, कैसा दिखता था, कितने पैसे हैं, बस में कॉलेज जा रहा है, to being a guy who is absolutely confident around। कॉलेज में सब लोग मुझे जान गए थे, एक ऐसा टाइम आ गया था जहाँ घुसते ही I could talk to people and get them attracted to, किसी भी पार्टी में घुस के be the center of attention of the room and have people think that I am the coolest person in the room, and all of this it's a journey, but हर एक जर्नी स्टार्ट होती है एक फर्स्ट स्टेप से। और अभी आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, टू गो आउट, टू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, अपने ऊपर काम करो, स्टार्ट पुटिंग आउट योर इनसिक्योरिटी, स्टार्ट एक्सेप्टिंग हू यू आर रादर देन थिंकिंग कि मुझ में ये कमी है। मेक योर इनसिक्योरिटीज योर स्ट्रेंथ और बाहर जाओ, लोगों से बात करो। अगर किसी भी पॉइंट पे तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, देन वी आर हियर टू हेल्प यू आउट विद दैट। माय नेम इज शितिज एंड वी रन अ डेटिंग कोचिंग कंपनी कॉल्ड आयरन मैन लाइफस्टाइल फॉर इंडियन मैन, जहां हमारा मिशन है 1 करोड़ इंडियन लोगों को हेल्प करना अमेजिंग रिलेशनशिप्स में जाने के लिए। वी डू दिस बाय हेल्पिंग देम बी मोर कॉन्फिडेंट, learn about social skills and working on themselves. If you need help, all you need to do is book a free consultation call with us. Link is ironmanlifestyle.co/coaching. वहाँ पे जाओ, अपना टाइम स्लॉट बुक करो, एक छोटा सा एप्लीकेशन होगा उसको फिल करो ताकि हम तुम्हारे बारे में थोड़ा और जान सकें। हम तुमसे बात करेंगे, तुम्हारी सिचुएशन समझेंगे, तुम्हारे गोल्स देखेंगे and then we'll give you a clear game plan on how to achieve those goals और आगे जाके तुम्हारे स्टेप्स क्या होने चाहिए। So click on the link below in the description box below और वहाँ पे book a free call with us. I hope you guys love this video. I will see you guys in the next one.